जय जगन्नाथ समस्त को पिले पुणे एक स्टेनो क्लास रे आपन को बहुत बहुत स्वागत। तो आज पूर्व चैप्टर मु पढ़ी थी, आज गोटे नुआ चैप्टर जीवा नुआ चैप्टर देखिपे कौन गोटे नुआ चैप्टर अच्छी। पूर्व चैप्टर रे पिले जो मैंने एक्सरसाइज कही समस्त को मन करके एक्सरसाइज गुरा कर, आ डाउट अच्छी समस्ते कमेंट लिख सो दे मुझे जापरि कौन तुम डाउट अच्छी बुझिपार। तो आज गोटे नुआ चैप्टर पढ़िया, चैप्टर ना कौन पढ़िया ना सर्कल एंड लूप्स टू फाइनल हुक्स यही चैप्टर टी आज हमें पढ़िया बुझुची। पूर्व चैप्टर कौन पढ़ी एन एंड एफ भि हुक्स पढ़ी थे पूर्व चैप्टर, जो मैंने मो पूर्व क्लास देखिन जाकि देखी दियो एन एंड एफ भि हुक्स पढ़ते 14 नंबर क्लास एटा हूँ तुमर सरी एटा तुम 25 नंबर क्लास है, 24 नंबर क्लास था यहाँ तुम 25 चैप्टर हो चैप्टर 25 बुझीला। तो जो मैंने देखिन मोर चैप्टर 24 जाकि देखी दियो पिले बहुत हेल्पफुल हम। तो सर्कल आज पढ़िया कौन सर्कल एंड लूप्स टू फाइनल हुक्स कौन कौन करवा आम जानचे एन हुक पढ़ते भि हुक पढ़िले ए फॉर एग्जांपल देवी दे केमी कौन पढ़वा यहाँ चैप्टरटा कौन अच्छी आम प्रथम लिखा डैन लिखा डन लिखा डन टाक आम कमी लिखुले प्रथमे पिले मार्क करो स्टार्टिंग रु आम ये लिखुले डन टाक केमी लिखुले मार्क करो पिले मुझे कह डन लिखी डी लिखी एन लिखी डन डी लिखी एन लिखी डन बर्थ जिते आम एन हुक पढ़िले एन हुक पढ़िले आउ केमी लिखी हम डन डी लिखी एन हुक देवी डन है डीओ एन ई डन बुझे केमी डी आउ एन मु लिखी डोभ पूर्व चैप्टर कौन पढ़ी थी तार एग्जाम्पलटा कर डन मु लिखी डोभ डी आउ भि हुक डोभ डी आउ भि हुक डोभ बुझेगा। पूर्व चैप्टर एन आउ एफ भि हुक जो पढ़ते सेटा टिके आउ टिके एडवांस जीवा कौन एडवांस जीवा मु देखली धर फॉर एग्जांपल मु लिखली कौन डैन लिखी सपोज पिले मु लिखी डैन लिखी कौन लिखली डैन लिखी तापर मु डांस केमी लिखी हैला पिले मार्क कर एठी मु लिखली कौन एठी पिले एठी कौन लिखली डैन लिखली डैन मु कहबी डांस लिखी केमी लिखी डांस डी एन हुक सर्कल एस डांस डी एन हुक सर्कल एस डांस बुझुच पिले डी एन हुक सर्कल एस डांस एटा कौन हो तुमर डांस बुझीगला आकु ही सर्कल्स एंड लूप्स टू फाइनल हुक्स कुआ जाए बुझीगला डैन केमी लिखले एन हुक रे आम एस गोटे देदे डांस है गला बुझीगला सेमी आम जानते डांसेस केमी लिखा आम आगु भी पढ़ते डबल एस वाला पढ़ते कौन पढ़ते मुझे कौन लिखा ना पासेस लिखा डबल हुक वाला पासेस लिखा। तो केमी लिखा पे कही डबल एस वाला टी बड़ करद एस को सेटा कौन हो ना पासेस पढ़ी कि नहीं पढ़ी स्टार्टिंग रु चैप्टर रु पास एटा हूँ पासेस पढ़ी नी बस एटा हूँ बसेस एम पढ़ी थी। तो से हिसाब से आम जेहेतु डांस लिखा फॉर एग्जांपल मुझे लिखी डांसेस मुझे लिखी कौन लिखी एटी पे ना डांसेस लिखी कौन लिखी डांसेस लिखी डी एन हू को बड़ सर्कल एस जिते बड़े दब से आमर कौन हो डांसेस कौन हो पे डांसेस बुझीगला आम लिखी पासेस
ହେଲା ବସେସ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଡି ଏନ୍ ହୁକ୍ ଯେତେବେଳେ ସର୍କଲ୍ ଏସ୍ ବୁଲେଇ ଦେବା ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିହେଲା ପିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଲେଖିବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡି ଲେଖିବି କେମିତି ଲେଖିବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡି ଲେଖିବି ଆଚ୍ଛା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲେଖିବି କେମିତି ଲେଖିବି ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜାଣିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍ ଜାଣିଲେ ଏବେ ପିଲା ମୁଁ ଲେଖିବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡି ହେଲା ଏବେ କ'ଣ ଲେଖିବି ପିଲେ ମାର୍କର ଏବେ କ'ଣ ଲେଖିବି ତୁମକୁ ଡି ଏ ଏନ୍ ସି ଇ ଡି ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କେମିତି ଲେଖା ହେବ ପିଲେ ମାର୍କର ଆଚ୍ଛା ଡି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡି ଏନ୍ ଟିକେ ତାକୁ ସର୍କଲ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଚାପିକି ଲେଖିଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ 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 ଦେଖିପାରୁଛ ତ କେମିତି ଲେଖୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବୁଝିହେଲା ବୁଝିହେବିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଡଷ୍ଟ ଲେଖିବା ଆଗରୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଆମେ ଡଷ୍ଟ କେମିତି ଲେଖୁଥିଲେ ଡି ଲେଖୁଥିଲେ ଏସ୍ ଟି ଲେଖୁଥିଲେ ପଢ଼ିଥିଲି କି ନାହିଁ ଡଷ୍ଟ ଡଷ୍ଟ ପଢ଼ିଥିଲି କି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଖିକି ଡଷ୍ଟର ଲେଖିବି ପୁରା ପଢ଼େଇଦେବି କି ନାହିଁ କହିଥିଲି କି ନାହିଁ ଡଷ୍ଟ ଡଷ୍ଟର ଲେଖିଲେ ପୁରା ବଢ଼ିଯିବ ଡି ଏସ୍ ଟି ଆର୍ ହେଇଯିବ ଡଷ୍ଟର ଏଇଟା ଡଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଲେଖିଲେ ଏସ୍ ଟି ଟିକେ ପୁରା ଯଦି ବଢ଼େଇଦେବି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଏସ୍ ଟି ଆର୍ ସେଇଭଳି ବି ଲେଖିବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଲେଖିବି କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡି ଲେଖିବି ବୁଝିହେଲା ପିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବି ପିଲେ ଏଠି ମାର୍କର ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡି ଲେଖିଥିଲେ ଅଭିହା କ'ଣ ଲେଖିବି ନା ଡ୍ୟାନ୍ସଷ୍ଟର ଲେଖିବି ଡ୍ୟାନ୍ସଷ୍ଟର ଡ୍ୟାନ୍ସଷ୍ଟର ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡି ଲେଖିଥିଲେ ଲେଖିବି ଡ୍ୟାନ୍ସଷ୍ଟର ବୁଝିଗଲା ସେଇଭଳି ହିସାବରେ ତୁମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆର ଫରକ ଜାଣିପାରିଲ ତ ଅନ୍ତର୍ପଦର ଏଇଟା ହାଫ୍ ସର୍କଲ୍ରେ ଲେଖା ହେବ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଫୁଲ୍ରେ ଲେଖା ହେବ ଡ୍ୟାନ୍ସଷ୍ଟର ହେଲା ବୁଝିହେଲା ପିଲେ ତାପରେ ଲେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କିଛି ଦେଇଦେବା ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଲେ ତୁମମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ପିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି କ୍ଲାସ୍ଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯାହା ପଢ଼ିଲି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପୁରା ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସଲ୍ଭ କରିବ ମନେ ରହିଲା କ'ଣ କହିଲି ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସଲ୍ଭ କରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସରିଲା ପରେ ତୁମେ ତାପରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍କୁ ଆସିବ ଓକେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସରିଲା ପରେ ତୁମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍କୁ ଆସିବ ତେଣୁକରି ପ୍ରତିଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହା ବି ପଢ଼ଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କର ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ତାପରେ ତୁମେ ଆସିବ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍କୁ ବୁଝିହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫିରେ ପେନ୍ଟିକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ପିଲେ ସମସ୍ତେ ଲେଖ ପେନ୍ ଆଚ୍ଛା ପେନ୍ଟାକୁ କେମିତି ଆଚ୍ଛା ଏନ୍ ହୁକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏନ୍ ହୁକୁ କ'ଣ କହିଲି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲେଫ୍ଟ ମୋସନ୍ ତାହେଲେ ଏ ଗୋଟେ ଭାୱେଲ୍ ତାହେଲେ ପେନ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଲେଖିବି ପେନ୍ସ ମୁଁ ଲେଖି ପେନ୍ ଲେଖିଲି ମୁଁ ଲେଖିବି ପେନ୍ସ ଲେଖିବି କ'ଣ ଲେଖିବି ପେନ୍ସ ସର୍କଲ୍ ଏସ୍ ପେନ୍ସ ବୁଝିହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପେନ୍ସ ହେଇଯିବ ବୁଝିହେଉଛି ପେନ୍ସ ପେନ୍ସ ପରେ ମୁଁ ଲେଖିବି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ପିଲେ ମୁଁ ଲେଖିବି ଏକ୍ସପେନ୍ସ ସର୍କଲ୍ ଏସ୍ ଏକ୍ସ ପି ଏନ୍ ଏସ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ତୁମର ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଏକ୍ସପେନ୍ସ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲେ ଦେଖିବି ଯଦି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଏକ୍ସ ପି ସର୍କଲ୍ ଏସ୍ ବଡ଼ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଯେମିତି କହିଥିଲି ପାସେସ୍ ବସେସ୍ ସେମିତି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ବଡ଼ ସର୍କଲ୍ ଏସ୍ ତୁମର ହେଇଯିବ ହେଲା ସେଇଭଳି ଭାବେ ପିଲେ ଦେଖ ସ୍ପିନ୍ ସ୍ପିନ୍ ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଯେତିକି କ୍ଲାସ୍ ପିଲେ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମକୁ କ'ଣ ରହିବ ଗ୍ରାମାଲୋଗସ୍ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଗ୍ରାମାଲୋଗସ୍ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଗ୍ରାମାଲୋଗସ୍ ତୁମକୁ ଡେଲି ଡେଲି ଆକାରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିହେଉଛି ଗ୍ରାମାଲୋଗସ୍ ବହୁତ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଲୋଗସ୍ ଯଦି ନ ମଡ଼େଇବ ତୁମେ ଭୁଲିଯିବ ଚାଇଲ୍ଡ କେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର କେମିତି ହେଲା ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କେମିତି ଲେଖିବ
ବୁଝି ହେଉ ଯା ଇଜି ହେଲା ଆଜ୍ ହାଜ୍ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ଲେଖିବ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ, ଭୁଲିଗଲା ମାନେ ତ ସହିଲା ଆଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଗ୍ରାମାର ଲଗସ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ, ବୁଝି ହେଉଛି। ଯେତିକି ବି ଯେତିକି ବି ଚାପ୍ଟର ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛି ପିଲେ, ଯେତିକି ଗ୍ରାମାର ଲଗସ୍ ଯାଇଛି, ସେ ଗ୍ରାମାର ଲଗସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲକିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ତାକୁ କ'ଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବୁଝି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଯିବା, ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା। କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରହିବ ପିଲେ ଭଲକିନା ମାର୍କ କର। OSSC ପରୀକ୍ଷା, OSSC ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଷ୍ଟେନୋ ଶିଖିନ ପିଲେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ OSSC ଯେଉଁ ଷ୍ଟେନୋ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଯାଇଛେ, ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିଅର୍ କରୁଛ, ପ୍ରିଲିମ୍ସ ସହିତ ମେନ୍ ମେନ୍କୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଷ୍ଟେନୋ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଦେଖ, ନହେଲେ ଯଦି ଲେଖିପାରିବନି ସେଠି ତାହେଲେ ଚାକିରି ହେବନି। ଏଇଟା ଖାଲି ନୁହଁ ଯେ ତୁମେ ଖାଲି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ମେନ୍ସ ପାଇଗଲ ଚାକିରି ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟେନୋ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଜବ୍, ଭଲ ସାଲେରୀ। ତ ଆଚ୍ଛା ପାଠକୁ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ପିଲେ କିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିବି, ମୁଁ ଲେଖିବି ସ୍ପିନ୍ ଲେଖିବି, କେମିତି ହେବ ସ୍ପିନ୍, SPIN ସ୍ପିନ୍, କେମିତି ଆମେ ପିଲେ ଲେଖିବା ସ୍ପିନ୍। ମାର୍କ କର ସର୍କଲ SPN ହୁକ୍, ସର୍କଲ SPN ହୁକ୍, ଯେହେତୁ ଏଠି ଇ ଭାବ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଥ୍ରୁ ଦି ଲାଇନ୍ ଲେଖିବା ସ୍ପିନ୍ ହେଲା, SPN ହୁକ୍, ସର୍କଲ SPN ହୁକ୍ ହେଲା, ଥ୍ରୁ ଦି ଲାଇନ୍ ପିଲେ ଲେଖିବ SPN। ମୁଁ ଲେଖିବି ସ୍ପିନ୍ସ, ଆଚ୍ଛା ସ୍ପିନ୍ସ ଲେଖିବି ପିଲେ, ଆଚ୍ଛା ସ୍ପିନ୍ସ ଲେଖିଲେ କେମିତି ହେବ ମାର୍କର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଲେ ଲେଖିବି ସ୍ପିନ୍ସ SP SPIN SPIN, ବୁଝିଗଲା ପିଲା, ସ୍ପିନ୍ଷ୍ଟର୍ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ସେମିଭଳି ସ୍ପିନ୍ଷ୍ଟର୍, ଯେମିତି ଡଷ୍ଟର୍ ଟଷ୍ଟର୍ କହିଲି, ହେଲେ ଲେଖିବ ସ୍ପିନ୍ଷ୍ଟର୍ SP SPIN, ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ସେଇଭଳି ପାଖରେ ତୁମକୁ ଡେଲି ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତୁମେ ପୁରା ଭଲକିନା ବୁଝିପାରିବ ଚାପ୍ଟର୍ଟାକୁ। କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖୁଛ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡ୍ୟାନ୍ ଧର ଡ୍ୟାନ୍ ଲେଖିଲ, ଚାପ୍ଟର୍ ହେଉଛି ଏହା, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିଲ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲ ଡ୍ୟାନ୍, DN ହୁକ୍ ଡ୍ୟାନ୍, ତାପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡି ସର୍କଲ ଏସ୍ ରାଇଟ୍ ରୁ ଲେଫ୍ଟ ମୋସନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍, ବଡ଼ ସର୍କଲ ଏସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍, ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍ ପରେ ଲେଖିବ ଡ୍ୟାନ୍ସଷ୍ଟର୍, ଡ୍ୟାନ୍ସଷ୍ଟର୍, ବୁଝିଗଲି। ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟି ଲେଖିବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟି, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଇଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ୁଛ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା ପିଲେ। ଲେଖିବା ଡିସ୍ପେନ୍ସ ଲେଖିବା, ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲି ତୁମକୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସ, ଏକ୍ସପେନ୍ସ କେମିତି ଲେଖା ହେବ, ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ସର୍କଲେସ୍, ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ବଡ଼ ସର୍କଲେସ୍, ସେଇଭଳି ଲେଖିବି ଡିସ୍ପେନ୍ସ, ଡିସ୍ପେନ୍ସ ଡିସ୍ପେନ୍ସେସ୍ ଡିସ୍ପେନ୍ସେସ୍ ହେଲା, ଡବଲ୍ ଏସ୍ ଲାଗିଲେ ମାନେ ବଡ଼ ସର୍କଲ୍ଟି ତୁମେ ଲେଖିବ ହେଲା, ଡିସ୍ପେନ୍ସେସ୍, ଡିସ୍ପେନ୍ସଡ୍ ଲେଖିବି ଡିସ୍ପେନ୍ସଡ୍, ଡିସ୍ପେନ୍ସଡ୍, ଆଚ୍ଛା ଡିସ୍ପେନ୍ସଡ୍ ଲେଖିବି ଡିସ୍ପେନ୍ସଡ୍, ଡିସ୍ପେନ୍ସଡ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆଜିର ପାଠ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ସର୍କଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୁପ୍ସ ଟୁ ଫାଇନାଲ୍ ହୁକ୍ସ ଚାପ୍ଟର୍ 25 ଚାପ୍ଟର୍ ପିଲେ ଦେଖିନିଅ ଭଲକିନା, ସେ ଚାପ୍ଟରଟି ଖୋଲିବ ସର୍କଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୁପ୍ସ ଟୁ ଫାଇନାଲ୍ ହୁକ୍ସ, ଯାହା ପଢ଼ଉଛି ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟାକୁ
एग्जांपल बहर एग्जांपल को प्रैक्टिस करिवो तापर जाय कि एक्सरसाइज को जीवो। तब वर्तमान तापर देखिबा प्ले कर्व्स फॉलोड बाय एनएस कोन लिखिबा जो कर्व स्ट्रोक माने करे रहूची कर्व स्ट्रोक कोन एफ भी हैला एल एस एगुरा सब कोन कर्व स्ट्रोक रहूची हैला कर्व स्ट्रोक रे ए जो फाइन एन हुक रे एस केमती लागिवो एस डी केमती लागिवो सेटा में पढिबा बुझुच पिले आसो देखिया कौन हो जी हैला सपोज फॉर एग्जांपल नवा फाइन नवा तुम जानि छो पिले नेक्स्ट चैप्टर कम पढ़ी थी एन आउ एफ बी एटा हो जी फाइन। अच्छा जदि मु कभी फाइन्स लिखिबी एटा है जो कौन फाइन्स हैला फाइन से जीव हैला। अच्छा भाइन लिखिबी ठीक लिखिले भी लिखिवो हैला थिन लिखिले एफ लिखिवो भाइन्स लिखिली भाइन्स बुझुच पिले बुझुच कि नहीं। अच्छा मु लिखिबी कोनो थ्रोन्स लिखिली टी एच आर ओ एन ई एस थ्रोन्स एटा को पिले केमती आमे लिखिबा थ्रोन्स टा को मन रख इथियार तो पढ़ी थी थ्रोन्स इथियार हैला राइट टू लेफ्ट मोशन गला एनएस ही गला थ्रोन्स एटा कौन है गला मार्कर समस्ते एटा कौन है जीवो ना थ्रोन हैला। मु लिखिबी साइन मु लिखिबी कौन लिखिबी साइन पिले लिखिबी केन लिखिबी साइन टा केन पिले लिखिबी साइन पिले साइन लिखिबी एस एन साइन कौन है जीवो साइन लिख मु पिले लिखिबी साइंस लिखिबी। अच्छा मु लिखिबी पिले साइंस लिखि केन लिखिबी पिले मार्क कर भलो किना मार्क कर पिले साइंस टा केन लिखिबी मार्क कर मार्क कर साइन लिखिले एस लिखि दिले एटा है जो साइंस एस एच आई एन ई एस बुझुच पिले साइंस बुझुची। तब लिखिबा एल स्ट्रोक जीवा एल स्ट्रोक रे आमे लिखिबा प्रथम लिखिया मार्क कर जे मन कर फॉर एग्जांपल मु लिखिबी कोन लिखिबी एठी बेलून लिखिबी केन लिखिबी पिले मार्क कर बेलून बी ए एल डबल ओ एन बेलून समस्त पिले लिख लिखिया ट्राए कर बेलून केन लिखा हबो लिखिल देखिया तुम्हें कौन लिखि मु कौन लिखुच देखिया ठीक हो कि नहीं बेलून मु लिखी बेलून्स बेलून्स बुझुच कि नहीं पिले बेलून बेलून्स बुझुच कि नहीं। अच्छा मु पिले लिखिबी कौन फॉर एग्जांपल लिखी माइन लिखिबी। अच्छा मु तुम कही थी एन हुक एम रे एन हुक टा केन लगिवो एम रे एन हुक टा केमती लगे बोली कही थी हैला। एम एन माइन एम एन हुक माइन एम एन हुक माइन। अच्छा मुझे लिखी माइंस लिखी एम एन हुक माइंस एम एन हुक माइंस एम एन हुक पर एस माइंस एटा हो कौन हो एम आई एन ई एस माइंस बुझुच पिले मैंने बुझुच। अच्छा फॉर एग्जांपल देखिबी मु लिखिबी कौन लिखिबी नाइन लिखिबी पिले मु लिखिबी कौन ना पिले नाइन लिखिबी कौन लिखिबी कहली ना नाइन लिखिबी नाइन टा के लिखिया पिले एन एन हुक नाइन एन एन हुक नाइन एन एन हुक नाइन एन एन हुक नाइन देख पिले मुझे स्ट्रोक गुरा के लिखुचे एन एन हुक नाइन एटा जो आईटा देटा हूँ पढ़ी थी तुमको यहाँ कौन डिपथंक्स
डिफथंग्स बुझुच बोले तो मुझे लिखी नाइन्स लिखी बोले मुझे लिखी कौन लिखी नाइन्स लिखी मुझे लिखी कौन लिखी बोले नाइन्स लिखी नाइन्स लिखी NINS नाइन्स लिखी नाइन्स लिखी NINS नाइन्स लिखी NINS नाइन्स लिखी NS नाइन्स लिखी बुझीगला नाइन्स के लिखा हुजी हला अच्छा मुझे एग्जांपल पिले तुम मन को दौर देखले पिले लोन लिखिल एन हुक देखि देखिया लोन लिखुच केमी तुम लोन लिखुच पिले देखिया लोन ट्राए कर लोन लिखे को एल एन लोन अच्छा लोन्स जिते लिखी एल एन एस लोन्स एल एन एस लोन्स बुझे एगुरा सबको तुमको कौन करने को पड़ो ना प्राक्ट करने पड़ो बुझेगा आ प्राक्ट जदि नक भूली जीव बुझुच पे मैंने बुझेले कि नहीं अच्छा पिले रिक्वायरमेंट लिखिल बही रे एई चैप्टर ना मुझे लिखिले तुम तो गलणी बहुत मिनिमम 55 एक्सरसाइज टपि सारे 60 पाखा कि एक्सट्रा एक्सरसाइज कर आई होप तुम मैंने डिटेक्शन लिखिपार जो मैंने भल कि मोर क्लास कर से माने डिटेक्शन लिखी पारे डाकिले अच्छा मुझे गोटे वार्ड डाकुच रिक्वायरमेंट लिखिल केमती लिखुच बिले देखिया जल्दी जल्दी लिख रिक्वायरमेंट मो लिखला भितर तुमर जमी लेखा सरी जाइ ताले पढ़िया को मजा आसो मुझे पढ़ाऊ थी तुम्हें यदि जापार न रिक्वायरमेंट अच्छा लिख कह रिक्वायरमेंट लिख केमती लिखुच मुझे देखी रिक्वायरमेंट हैला आर क्यू आर एम एन टी रिक्वायरमेंट आर क्यू आर एम एन टी रिक्वायरमेंट आर डाउनवर्ड आर रिक्वायरमेंट बुझेला एटा को आमे कौन लिखे रिक्वायरमेंट लिखिबा बुझे लगे नहीं सर्कल एंड लूप्स टू फाइनल हुक्स वर्तमान से ही चैप्टर रो आउ किछि क्वेश्चन करिबा आमे अच्छा बिले मु लिखिबी मार्कर बिले मुझे लिखी फेन्स लिखी पिले फेन्स लिखी केमती लिखिया फेन्स लिखिया के लिखिया मार्क कर पे तुम मान आगु कही जे राइट रू लेफ्ट को गले बी एन बेन लिखुचे हैला पेन लिखुचे पी एन पेन लिखुचे किंतु भि सर्कल आम कौन भिटा को एमती एन लिखिपर कि यहाँ अलग स्ट्रोक हो ना तेणुकरी जो भेन लिखी पे केमती लिखी जमी आम फुल स्ट्रोक लिखु पे फुल स्ट्रोक लिखु भेन हला भेन कि भेन्स भेन्स एमती भी तुम मैंने लिखी पार मुखी माइन माइन्स कहीदे माइनसेस एम एन एस माइनसेस बुझीगला बुझी पीएफ पप एफ भी को पूर्व चैप्टर पढ़े कौन एफ भी को पढ़े थी बिले मन रखी नहीं एफ भी को मन रखी कि नहीं एफ भी को पढ़े थी गोटे मिनट पिले एफ भी को पढ़े थी कि नहीं समस्त को एफ भी को पढ़े थी बुझुच कि नहीं
एन एफ पूर्व चैप्टर रे पढ़ाई थी जो मैंने देखिन देखीदेव है मुझे लिखी पप पप पी एफ हुक पप है ठीक यार अपोजिट ये जो पेन है ठीक यार अपोजिट ये जो पप है एनटा हूँ एफ रो अपोजिट एफटा हूँ एन रो अपोजिट जी पी लिखी राइट रू लेफ्ट को सर्कल हुक गोटे कली ताले एटा हो पेन मुझे पी को लेफ्ट रू राइट को हुक कली ताले अब हाल देले एटा हो कौन पप पी यू एफ एफ पप अच्छा पप्स लिखी सेमिति पी लिखिली एफ लिखिली एस दे देली कौन जीव पप्स पी लिखिली एफ देली एस दे देली पप्स पी लिखिली एफ हुक देली एस दे देली पप्स बुझेला भाई पिले अच्छा केब केब के लिखा हे के लिखिली भि लिखिली केब है केब्स के लिखिली केब्स के लिखा के लिखिली अच्छा आउ थे तुम मन को देख दूसरे भलसरे दैट तुम मैंने बुझीपार अच्छा पिले मुझ लिखिली कौन लिखी मुझे लिखी केब लिखिया केन केब लिखिया मार्क कर पिले के लिखिली भि हुक देली केब हैला एटा तमरो कोन हिजो केब मु पिले लिखिवि केब्स लिखिवि केन लिखिवि केब्स के लिखिली भि लिखिली सर्कल देली ए भावलटा देली एटा तमरो कोन हिजो केब्स बुझिला पिला बुझिला कि नहीं हैला अच्छा अच्छा पिले आम देखिया ऑब्जर्व्स लिखिया मु कौन कहली पिले ऑब्जर्व्स लिखिया मार्क करो मु कौन कहली पिले तुम कौन लिखिया को ऑब्जर्व्स लिखिया ओ बी एस ई आर भि ई एस ऑब्जर्व्स ये वर्ड टी को आम कमी लिखिया पिले मार्क करो के गारटा टे बंका बंकी हो पिले आडजस्ट करा अब्जर्वसटा को मुझे लिखी मार्क कर पिले अफ जर्वस अब बी पूर्व अब हाला उचित तेणुक अब एस अपडार भी